आज पढ़ेंगे हम परपेक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, शॉर्ट में कह देते हैं PMM1, ठीक है, और लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, दो टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। सो PMM1 क्या है? PMM1 का स्टेटमेंट है, PMM1 इज अ मशीन विच कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग वर्क, ठीक है, प्रोड्यूसिंग वर्क विदाउट हीट गेन, मतलब ये वायोलेट करती है फर्स्ट लॉ को, इट वायोलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में फ्लोट बोल देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, इतना बड़ा नहीं लिखते हम ज़्यादातर, ठीक है। तो ये मशीन है जो एक हाइपोथेटिकल मशीन कह सकते हैं इस मशीन को, इस मशीन का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, वजूद नहीं है, बस ये मशीन क्या कर रही है, आपका कंटिन्यूस वर्क प्रोड्यूस कर रही है विदाउट एनी हीट गेन, ठीक है, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल, कन्वर्ट कर सकते हो आप हीट को वर्क में, कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि या फिर वर्क को हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये मेरी एक कोई भी मशीन है, परपेक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड है, जो कि मशीन मेरी वर्क आउटपुट दे रही है विदाउट एनी हीट गेन, हीट को कन्वर्ट ही नहीं कर रही वर्क में, बस वर्क करे जा रही है विदाउट एनी इनपुट इट गिव्स आउटपुट। सो दिस इज परपेक्चुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, बट ये इम्पॉसिबल है बिकॉज विदाउट हीट गेन, अब मैं जब तक इसको हीट ना दूँ तब तक ये वर्क डन ना करेगी, ठीक है, तो इसमें हीट नहीं देते, खाली वर्क मेरे को आउटपुट में मिलता रहता है। बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की, शॉर्ट में लिमिटेशंस ऑफ फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे को डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं देता, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो पहला इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मतलब हीट मेरी कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी जाएगी या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाएगी, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं देता है, ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे को हीट लॉस के बारे में भी नहीं बताता है, हीट लॉस इसने, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल, सो दैट्स इट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट द हीट लॉसेस और द एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन, ठीक है, जब मैं हीट को वर्क में कन्वर्ट करूँगा तो कुछ लॉस भी तो होगा, 100% एफिशिएंसी कहीं नहीं होती है, सो ये एफिशिएंसी के बारे में मेरे को नहीं बताता है कुछ भी, मेरे को हीट लॉस या एनर्जी लॉस के बारे में नहीं बताता, ये मेरे को डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताता, सो ये जो दो पॉइंट हैं ये इसके ड्रॉबैक हैं, तो यही दो पॉइंट थोड़े से सही करके, मतलब ये जो ड्रॉबैक हैं इनको ही सुधार के हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया, जिसमें हमने डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को बताया कि कैसे हीट फ्लो होती है और एनर्जी लॉसेस के बारे में बताया, ठीक है, तो यही दो स्टेटमेंट है हमारी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, कि हीट फ्लो कैसे होती है और एनर्जी लॉसेस कितने हो रहे हैं, ठीक है, और होते हैं, ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। सो दिस इज द नीड ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दीज टू पॉइंट्स आर द नीड्स, बिकॉज ये दो पॉइंट हमें फर्स्ट लॉ नहीं दे पा रहा था, इसलिए हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थैंक यू।